ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अबू धाबी में हमें गणपति बापा के डायरेक्ट दर्शन होंगे। अबू धाबी में यूएई में इस तरीके की एनर्जी होना इट्स लाइक अ बिग थिंग, बिग थिंग। यहाँ आके तो मेरे को ऐसा महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा था। We will remember this forever. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यांच्या हस्ते यंदा लोकार्पण झालेल्या यूएईतील श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थेच्या या प्रशस्त हिंदू मंदिरात हा पहिलाच गणेशोत्सव साजरा होतो आहे। ही खरोखर अत्यंत महत्त्वपूर्ण बाब आहे। हा महागणेशोत्सव साजरा होत आहे याचा मला विशेष आनंद आहे। यूएई के अबुधाबी शहर में इस वर्ष के गणेशोत्सव में त्रिवेणी आध्यात्मिक समिति और महाराष्ट्र मंडल अबुधाबी इन संस्थाओं द्वारा आयोजित महागणेशोत्सव 2024 को मैं शुभकामना देता हूँ। मुझे बहुत खुशी है, यूएई में हमारा वैभव हिंदू मंदिर है। हम इतने दूर अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और विशेष रूप से हम गणेश जी की स्थापना करके हमारे संस्कृति का जतन कर रहे हैं। Enter in the pandal, you feel that energy as it is that you see in Mumbai. और जो प्रतिमा है वो भी बहुत ही सुंदर है। आप जब उनके देखते हैं तो you feel like you are in Mumbai, लालबाग का राजा हो या कोई भी दूसरी प्रतिमा है। It's exactly the same, the vibe. मन में भाव ऐसा था, मतलब सब भूल गए, सिर्फ वो पापा का ही देख रहे थे, सिर्फ उनका विजुअल था, बाकी और सब भूल गए। फर्स्ट टाइम अबू धाबी में, स्पेशली यूएई में ऐसा एक्सपीरियंस होना बहुत ही काबिले तारीफ है। यहाँ का वाइब्रेशन जो था जब भजन चल रहा था, हम लोगों को आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इंडिया में जो होता है अथर्व शीर्षक जो पठन होता है वो हमें यहाँ पठन करने को चांस मिला। वो जो हमारी सद्भावना थी वो भगवान तक पहुँच गई है। मेरे बचपन में आरती चल रहा था घर में, ऐसे 20-25 साल हुआ यहाँ आके, तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ। आज मुझे लगा मैं बचपन में चली गई। वो साइलेंट वाइब्रेशन जो था वो अलग था। हम मानते हैं कि हमने कुछ मिस नहीं किया है। जो हम वहाँ उसी तरह से हम लोग सद्भाव से उसके दरबार में जाते थे, उसी तरह यहाँ आके हम लोगों के बहुत सुकून मिला। हम मुंबई से है तो वहाँ पे तो गणपति जी का फेस्टिवल तो बहुत धूमधाम से होता है, तो इधर आके ऐसे नहीं लगा कि हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं। और अच्छा लगा कि यहाँ आके भी हम उधर का जो चल रहा है उसे छोड़ के दूर रह रहे, ऐसे नहीं लगा, ऐसे लगा कि हमारे घर के जैसा ही है। पास 20 इयर्स से वही में है एंड दिस विल बी वेरी वेरी मेमोरेबल 2024 का गणेश चतुर्थी। Thankful for the UAE family yeah. who have really made this possible. Otherwise, it's always a dream. We always stay away from our
country and we always look forward. But abhi this year, whatever happened, we are so thankful. God bless them also. ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमें अपने बच्चों को बताने के लिए कि हमारा ट्रेडिशन क्या है, हम क्या करते आए हैं, क्या हमें आगे करना है. कि ये कल्चरली कनेक्ट करने के लिए मंदिर एक अच्छा, बहुत अच्छा मीडियम है. यूएई और इंडिया का जो आप अपन जो बोलते बिजनेस रिलेशन ही नहीं बट सोशल रिलेशन भी इससे बहुत मजबूत होंगे. और जो हमारा गवर्नमेंट का बोलो या भारतीय संस्कृति का है कि सभी के साथ शांति से और अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, ये इसके माध्यम से मेरे को लगता है आप अचीव कर पाओ. बाप टेम्पल ने जो इतना अच्छा आयोजन किया ये देख के बहुत बहुत अच्छा लगा. आई रियली वॉन्ट टू थैंक्स द कम्युनिटी हु ऑर्गेनाइज दिस. बस ऐसे ही आप कंटिन्यू रखें, हम कंटिन्यू आते रहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद है आज का एक्सपीरियंस के लिए. इट्स ऑसम.